व्हाट्सएप पे विद अ फेक आईडी, फेक नंबर्स, दे रीच आउट, इस तरह की जो कम्युनिकेशन है उसके स्क्रीनशॉट्स जो है वो सेव करके रखे। स्पूफिंग जो है इसके पाकिस्तान में इसकी सजा जो है वो 3 साल है और 5 लाख रुपया इसका जुर्माना है। इट्स अ वेरी सीरियस क्राइम। अगर हो जाए आप किसी तरीके से, यू बिकम अ विक्टिम ऑफ दैट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिपोर्ट करें। लोगों को कॉल की जाती है और उन्हें कहा जाता है कि जी हम बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बोल रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया शोएब ख्वाजा एंड वेलकम बैक टू द प्रोग्राम साइबर वॉच। इस प्रोग्राम की वजह से हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आई और एक ऐसी ही कंप्लेंट एनी की है जो हमारे पास अपनी ग्रीवियंस लेके आई हैं। आइए उनकी बात सुनते हैं। There's a new trend in cyber crime which I think I consider it as a cyber crime, that WhatsApp की DP आपकी निकाल के या आपकी तस्वीर लेके एक नया WhatsApp क्रिएट करके, तो विद योर आइडेंटिटी कोई और बंदा बात कर रहा है, एंड यू नो उसमें कुछ अच्छी बातें भी हो सकती हैं, कुछ बुरी बातें भी हो सकती हैं। एंड आई डोंट नो, आई रियली वांटेड टू नो फ्रॉम यू कि हम इसके लिए क्या करें। हम फेसबुक के लिए, हम बाकी चीज़ों के लिए तो साइबर क्राइम लॉज हैं, और अगर व्हाट्सएप को कोई मिसयूज़ कर रहा है आपकी व्हाट्सएप की तस्वीरें लेके या यू नो समहाउ वही नंबर डाल के, तो उसका क्या लॉ है। और वाकया मेरे सामने आया, किसी को उन्होंने, किसी ने फ़ोन करके कहा कि आप तो मुझे मैसेजेस कर रही हैं। उन्होंने कहा जी मैं तो कभी आपको जानती नहीं हूँ, आई डोंट मैसेज। तो उन्होंने पूरे स्क्रीनशॉट्स भेजे जिसमें उनकी तस्वीर थी और नंबर भी वही था, विच वॉज वेरी अजीब, क्योंकि वो खातून ऐसी हैं कि वो ये कभी कर ही नहीं सकती हैं। तो जब उन्होंने स्क्रीनशॉट्स देखी, अपनी तस्वीर देखी और अपना नंबर भी देखा, तो विच वॉज़ वेरी अलार्मिंग बिकॉज उनके फ़ोन से ऐसा कुछ हुआ नहीं था। सो वी रियली डिडंट नो कि ये कोई टेलीकम्युनिकेशन वाले इसको देखेंगे, साइबर क्राइम वाले देखेंगे, यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन, बिकॉज दिस इज अ न्यू ट्रेंड नाउ। इस क्लिप में जैसा हमने देखा कि एनी ने अपना केस लाई जिसके अंदर उनसे जो कम्युनिकेट किए थे उनकी पिक्चर और नंबर कोई और था, लेकिन असल में वो बंदा कोई और था, और ये एक बड़ा सीरियस इशू है। इस पर पहले भी बहुत केसेस दे चुके हैं, तो हम इसी हवाले से बात करेंगे मिस्टर अलमास अली जोविंदा साहब से, और हम उनसे पूछेंगे कि इस पे क्या कवानीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। ये जो आपने केस देखा है, जो हमने अभी आपको एनी का क्लिप दिखाया, ये है क्या, ये क्या मेकनिज्म है, ये किस्सा होता है? अर्शिया, ये बड़ा सीरियस, इसे स्पूफिंग कहते हैं। स्पूफिंग का मतलब ये है कि विद डिसऑनेस्ट इंटेंट आप इम्परसोनेट करती हो, बाज़ुकात आप फेक वेब पेजेस बनाते हो, बाज़ुकात आप प्रटेंड करती हो और इम्परसोनेट करती हो कि यू आर समबडी एल्स, एक्चुअली आप डिफरेंट होते हैं। ये स्पूफिंग का जो मैकेनिज्म है ये बड़ा पॉपुलर हुआ था पेरिस हिल्टन ने वे बैक, उसने क्या किया कि उसने अपनी फ्रेंड्स को डराने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से उसने कॉल्स करनी शुरू कर दी। आप स्पूफिंग डिवाइसेस मिलते हैं जो आप अपने मोबाइल से लगा के या अपने फ़ोन से लगा के जिसको कॉल करते हैं और जो नंबर चाहें उसकी स्क्रीन आईडी पे वो डिस्प्ले होता है। लाइक अगर मैं ये चाहूं कि आपको मैं कॉल करूं तो बेसिकली तो मेरा नंबर डिस्प्ले होना चाहिए, लेकिन इंस्टेड ऑफ माय नंबर आपकी स्क्रीन पे किसी और का नंबर अगर डिस्प्ले होना शुरू हो जाए तो दैट इज स्पूफिंग। अब लोग ये क्या करते हैं कि ये स्पूफिंग जो डिवाइसेस हैं और एप्स जो हैं इससे नंबर चेंज कर लेते हैं, एंड सिमिलरली आपका जो डिस्प्ले पिक्चर है वो भी चेंज कर लेते हैं, तो बेसिकली वो आपको डिसीव कर रहे होते हैं। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि बेशुमार लोग हैं जिनके बड़े बिजनेस कॉन्टैक्ट्स एक दूसरे से होते हैं, दे आर इन कनेक्शन विद ईच अदर, आपके बड़े स्पेशल किस्म के रिलेशनशिप एक दूसरे से होते हैं। सपोज किसी की कोई फियांसी है, वो अपने फियांसी को कॉल कर रही है, तो लाइक इम्परसोनेट करके उसकी पिक्चर लगा के उसका नंबर डिस्प्ले करके आप उन दोनों की बड़ी पर्सनल किस्म की बातें जो है वो जान सकते हैं, बिजनेस की बातें जान सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी सीरियस क्राइम। और स्पूफिंग जो है इसके पाकिस्तान में इसकी सजा जो है वो 3 साल है और 5 लाख रुपया इसका जुर्माना है। तो सर ये तो वैसे ही हो गया ना जिससे हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट के स्कैम्स या जो बैंक की तरफ से हमें कॉल्स आती थी पर्सनल डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, दिस इज सिमिलर टू दैट। एग्जैक्टली, ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की कि बेशुमार लोग जो है हमारे यहाँ पे बेवकूफ़ बनते हैं और बनाए जाते हैं कि लोगों को कॉल की जाती है और उन्हें कहा जाता है कि जी हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बोल रहे, और मजे की बात यह है कि एट टाइम्स जो नंबर डिस्प्ले होते हैं वो भी गवर्नमेंट के नंबर डिस्प्ले होते हैं या जो उनकी कॉलर्स हाइड आईडी है उसको हाइड किया होता है, और लोग बेचारे इनोसेंट लोग जो हैं उस पर बिलीव कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, आपको कॉल करके फौरन से पहले आपको ये कहते हैं कि आप अपना आईडी कार्ड नंबर बता दें, आपका जो बैंक अकाउंट है उसका जो आपका पिन है वो बता दें।
یاد رکھیں کہ کوئی بینک آپ سے آپ کا پن نہیں پوچھتا، کوئی بینچر انکم سپورٹ پروگرام کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو کال نہیں کرتے، کسی کریڈٹ کارڈ کی کمپنی کی طرف سے آپ کو اس طرح کی کالز نہیں ہوتی، لیکن بیکاز آف دا اسپوفنگ ڈیوائسز لوگ آپ کو وہ اپنی آئی ڈی جو ہے اسے ہائڈ کرتے ہیں اور ایک فیک آئی ڈی ڈسپلے کرتے ہیں اور وہ امپرسونیٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کی طرف، اٹس اے ویری سیریس کرائم اگر ہو جائے آپ کسی طریقے سے، یو بیکم اے وکٹم آف دیٹ، بٹ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کہ آپ رپورٹ کریں. اور جس طرح میں پہلے بھی یہ کہتا ہوں کہ جو سائبر کرائمس ہیں آپ کے فٹ پرنٹس ہمیشہ اپنی جگہ پہ موجود رہتے ہیں، آپ نے جو مرضی کیا ہو، آپ نے امپرسونیٹ کیا ہو، کسی اور کی تصویر لگائی ہو، لیکن جس آپ آئی پی ایڈریس سے انٹر ہوتے ہیں سسٹم میں وہ ہمیشہ اپنی جگہ پہ موجود رہتے ہیں. تو جب آپ ایک اس کی کمپلینٹ پٹ اپ کرتے ہیں وتھ این آر 3C یا اچھا کنسلٹنٹ آپ کو گائیڈ کرتا ہے اور اس کے ذریعے آپ اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ راؤٹ کرتے ہیں، تو بائی دی اینڈ آف دا ڈے یو آر ایبل ٹو ریچ ٹو دیز کلپریٹس ایکچولی. اور لیکن ہمارے یہاں پہ لوگ چپ کر جاتے ہیں، دے بیکم اے وکٹم اینڈ دے ریمین کوائٹ. سو جس طرح اینی کا معاملہ تھا اس میں تو یہی تھا کہ لوگ واٹس ایپ پہ ود اے فیک آئی ڈی فیک نمبر دے ریچ آؤٹ، اور پھر وہ جو ان کی پرسنل کمیونیکیشن ہے، جو انٹیمیٹ ریلیشن شپ لوگوں کے ایٹ ٹائم، وہ جاننے کے لیے، میاں بیوی کی باتیں جاننے کے لیے، جو ذرا بوائے فرینڈ گرل فرینڈس ہیں ان کے آپس میں باتیں جاننے کے لیے، دیز کائنڈ آف تھنگس آر بینگ ڈن وچ از اے ویری سیریس کرائم. تو سر اس کا حل یہ کہ لوگ اس سے رپورٹ کریں، ہمیں ریچ آؤٹ کریں اور ہم انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں. این آر 3C کے جو مختلف سینٹرز ہیں وہاں پہ اپلیکیشن پٹ اپ کریں، اس طرح کی جو کمیونیکیشن ہے اس کے اسکرین شاٹس جو ہیں وہ سیو کر کے رکھیں، دس ریئلی ہیلپ. اور واٹس ایپ بھی، بائی دا وے ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، جو ریگولر فون ہے وہ سائبر کرائم کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن واٹس ایپ چونکہ وائر انٹرنیٹ آپ کنیکٹ ہو رہے ہیں، یہ ایپ جو ہے یہ انٹرنیٹ پہ آپریٹ کرتی ہے، تو اٹس اے سائبر کرائم. سو آپ کے پاس جب اس کے امیجز موجود ہیں، جب ان کی کمیونیکیشن آپ کے موبائل میں موجود ہیں، دس از این ایویڈینس، یو نیڈ ٹو کیپ دیٹ ویل پروٹیکٹڈ. اینڈ وتھ دس ایویڈینس وین یو آر گوئنگ ٹو ریچ ٹو این آر 3C، سو دیٹ از گوئنگ ٹو بی پروسیجر وچ از گوئنگ ٹو فالو، بٹ الٹیمیٹلی جو کلپریٹس ہیں وہ پکڑے جائیں گے. تھینک یو سو مچ سر. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو اسپوفنگ میکنزمز ہیں وہ آپریٹ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کا شکار ہوتے ہیں، اسی طرح اور بھی بہت کرائمز ہیں سائبر لاز جن پہ موجود ہیں. تو اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو، کائنڈلی ہمیں ریچ آؤٹ کریں، ہم آپ کی مدد کریں گے. تھینک یو ویری مچ.